जहां कोई दवा काम नहीं आती वहां प्रेम काम आता है। कन्हैया की ही एक लीला है। कन्हैया ने अपनी गोपियों की परीक्षा लेनी चाहिए। कन्हैया के सर में भयंकर दर्द हो रहा था, वह दर्द से परेशान थे। गोपियां अनेकों दवाएं लेके आई, कहने का अर्थ है जड़ी बूटियां, कोई काढ़ा बना के आया लाया, कोई तेल मालिश कर रहा है, सबने अपने हिसाब से कोई कसर न छोड़ी, परंतु कन्हैया का दर्द बढ़ता ही जा रहा था, कम होने का तो नाम ही नहीं ले रहा था। सभी गोपियां परेशान हुई, कन्हैया के समीप जाकर खड़ी हो गई। तब कन्हैया कहते हैं कि मुझसे जो सबसे अत्यधिक प्रेम करता है उसकी चरणों से यह दर्द गायब हो जाए। सभी गोपियां तितर बितर हो गई और आपस में बतलाने लगी, एक दूसरे से बात करने लगी कि हम कन्हैया से कितना प्रेम करती हैं और हम अपने चरणों की धूल अपने कन्हैया को लगा के क्या नरक भोगी बनेंगे? ना बहन, ना, हम तो ना करेंगे। सभी पीछे हट गई। यह बात जब राधा रानी को पता चली, राधा रानी दौड़ कर आई और अपने चरणों की धूल कन्हैया के माथे पर जैसे ही लगाया और कन्हैया का दर्द गायब हो गया। तब सभी गोपियां गईं राधा रानी के पास और कहने लगी कि तुझे डर नहीं लगता? तब राधा रानी पूछती है, डर कैसा? तूने अपने कन्हैया को अपने चरणों की धूल लगाई, तुझे नरक जाने से जरा सा भी डर नहीं लगता? तब राधा रानी कहती है, वह स्वर्ग किस काम का जब मेरा कन्हैया दर्द से तड़पता रहे, वह नरक भी तो स्वर्ग से कम ना होगा जब मेरे कन्हैया को सुख मिलेगा। कहने का अर्थ है, राधा रानी ने कहा कि मेरे लिए तो वही स्वर्ग है जो मेरे कन्हैया को आराम दिलाए। अगर मेरे चरणों की धूल से मेरे कन्हैया के दर्द में आराम मिल जाता है तो मैं नरक जाने को भी तैयार हूँ। तो प्रेम से बड़ी कोई पूजा नहीं।